नमस्कार, मैं शिवा बात्री और आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। चलिए तो नजर डालते हैं आज की कुछ मध्य प्रदेश की टॉप खबरों पर। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बीच राज्य में अवैध शराब की तस्करी भी शुरू हो गई है। रविवार की रात राजगढ़ जिले की माचलपुर पुलिस ने 80 लाख रुपए से अधिक की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। इस शराब को तस्कर इंदौर की तरफ लेकर जा रहे थे। शराब की यह पूरी तस्करी फिल्म पुष्पा स्टाइल में की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को दिया गया गुरु मंत्र भिंड जिले में उल्टा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटे इस जिले के बगावती बीजेपी नेताओं ने सूबे की चुनावी कमान संभाल रहे अमित शाह के गुरु मंत्र की ही कमर तोड़कर रख दी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार काबिज हो सके इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। वहीं चुनाव आयोग आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में कम मतदान की आशंका है। इसकी वजह से पलायन इसी के चलते जिला प्रशासन की तरफ से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन कर गए नागरिकों को बुलावा भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन सिंधिया ने सपा प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करा दिया है। सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी ने एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। टिकट न मिलने से नाराज भक्ति तिवारी ने बीजेपी छोड़ दी थी। भक्ति तिवारी 2020 में सिंधिया के साथ बीजेपी में आई हुई थी। वहीं इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वे सपा में शामिल हो गई और खरगापुर विधानसभा सीट से टिकट हासिल कर लिया, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन वह फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर जिले के सबसे हॉट सीट यानी कि इंदौर एक पर कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला और भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय के बीच चुनावी मुकाबला है। यहां संजय शुक्ला नाम का एक निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी ने कैलाश विजयवर्गीय पर उनके नाम से अनजान व्यक्ति का फॉर्म भरवाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय घबराए हुए हैं, इसीलिए मेरे वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आज की खबरों में इतना ही। और भी ऐसी खास जानकारी के लिए लगातार बने रहिए डीवी न्यूज के साथ।